नेपालपुर में प्रसिद्ध 24 अवतार मंदिर परिसर में स्वर्गीय पुंजराज पटेल सामाजिक सेवा समिति के द्वारा चल रही 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन संपन्न हुआ, जहां साध्वी रतमरा दीदी के मुखारविंद से रामकथा का पाठ किया जा रहा था। देखिए रिपोर्ट। देपालपुर के 24 अवतार मंदिर परिसर में 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन बड़ी हर्षोल्लास के साथ हुआ है। जहां समापन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इंदौर के सांसद शंकर ललवानी व 24 अवतार मंदिर ट्रस्ट के सचिव चिंटू वर्मा के साथ अनेक श्रद्धालु भी पहुंचे। जहां साध्वी रितंबरा दीदी ने मंच से ही मोदी को दोबारा PM बनाने का आह्वान कर दिया। संसद में 2024 में मेरे नरेंद्र भाई भी दोबारा आने चाहिए, ये संकल्प कीजिए। और जितने भी सब लोग हैं जितने जो घरों में बैठे आलस करते हैं, TV देखते हैं और राजनीति पे बातें करते हैं, उन सबको निकल कर वोट करना है, क्योंकि नई संसद में नया कार्य होने जा रहा है। भारत को निरापद बनाना है। पेट्रोल डीजल की फिक्र करोगे तो मारे जाओगे। छोड़ो ये बकवास बातें। भारत की भूमि राष्ट्रभक्तों के नेतृत्व से ही यहाँ राजनीति संचालित होनी चाहिए। छोटी मोटी 7 दिनों तक लोगों ने हमारा सहयोग किया, दूर दूर से आए और सुना और हमारा उत्साह बढ़ाया। और दीदी माँ ने आज 7 दिन तक कथा सुनाई और आज आशीर्वाद देके चली गई। हमें बहुत दुख हो रहा और बुरा भी लग रहा और एक खुशी भी है, वो आई और हमारा सहयोग करा और हमारी कथा को हमें खुशी होगी और अच्छा आशीर्वाद मिले हमें। और आगे का समय में हम यही चाहेंगे और अजू कथा कराएँ, शिव पुराण कराएँ, राम कथा कराएँ। जी माँ के मुख से आपने राम कथा सुनी 24 अवतार मंदिर में, जिसका 7वां दिन था समापन चक्र का। माँ ने हमें जो राम जी की पुस्तक है उसमें तो हम राम पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें ध्यान बहुत कम आता है। लेकिन माँ ने भिन्न भिन्न रूप में हमको एक एक उदाहरण भगवान रामचरण जी के जीवन जीने का तरीका सिखाया, अलग अलग उदाहरण के सहित। माँ की जो शैली थी लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि माँ को लोग दुर्गा के रूप में देखते हैं और उनकी जो शैली थी वो सभी को बड़ी आनंद और पसंद है। ये तो जहाँ राम काज हो माँ हनुमान जी की कृपा रहती है, तो हनुमान जी की कृपा थी है कि तेज आंधी ने भी कहीं ना कहीं पवन देव ने भी परीक्षा ली। उसके बाद वायु देवता भी आए, वर्षा भी हुई, सभी ने परीक्षा ली, पर राम काज भी वहाँ आ रहा। आज आपके चेहरे पर क्या बताएंगे? वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामकथा के समापन अवसर पर पहुंचे और रामकथा के कार्यक्रम में झूमते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देपालपुर।